How you all doing? Welcome back to the channel, friends. I hope you guys are doing fine wherever you are, and I hope you guys are safe and healthy and taking care of each other. आज का वीडियो हाउस टूर पे होगा, हमारा हाउस टूर. कई सारे लोगों ने पूछा था कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन योर हाउस, वी वॉन्ट टू सी योर होम. सो आज का वीडियो पूरा उसके ऊपर होगा, एंड आई विल ट्राई टू टॉक विथ माई डैड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस हाउस एंड एवरीथिंग. तो उसके ऊपर होगा, और हम हेज़ल को ट्राई करेंगे बुलवाने के लिए. तो बने रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कैसा लगा. एंजॉय द वीडियो गाइस. चलो चलो, दरवाजा खोलो, ओपन करो. सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस. जैसे ही आप एंटर होते हो, यू सी दिस व्यू, एंड दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ हेज़ल. गादर मम्मी हमारे दादा बार मारे कार मारे. आपने क्या रहिए छे? सूरत. सूरत में रहिए छे आपने. हैं तो जी, ये हेज़ल का फेवरेट पार्ट है, तुलसी के पान इधर से तोड़ तोड़ के खाती रहती है. और दिस इज द एंट्रेंस. तो जी, ये है हमारा बैकयार्ड. इधर सब मम्मी बोती रहती है कुछ ना कुछ. रोज़ है, ये फ्रेंजीपैनी है, ये नींबू है जिसमें नींबू आता नहीं है कभी भी, ट्राई कर रहे हैं 2-3 साल से. और सब कुछ है इधर, भिंडी विंडी होती है, ये पुदीना है इधर. दिस इज़ अवर बैकयार्ड, ठीक है. और ये जो निरीक्षण करते हुए, और ये दूसरा बैकयार्ड है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है वॉकिंग एरिया. ये कांच है, चल टूटी गेला कांच हो. એવું આપણે ફર્નિચર કરતા હતા ને, ત્યાં તૂટી ગયેલા કાચ હોય ને, એ પડ્યા છે હજી. આ શું છે? એ પથ્થર છે. પથ્થર? હા, ચલો. કેવા નાખવાનું? ક્યાંય નહીં નાખવાનું. ઓર યે પાર્કિંગ એરિયા હૈ, KGF કા બુલેટ હૈ ઓર સ્કૂટર હૈ, ઓર યે દૂસરા ગાર્ડન ટાઈપ હૈ, વોટ એવર જો ભી હૈ. તુલસી નથી, એ કરી પત્તા કહેવાય. શું કહેવાનું? આ કરી એની જેમ જેમ છે, આ કરી પત્તા. કરી પત્તા છે. હા. પછી આ શું છે? કારેલા. નીચે કા જો ફ્લોર હૈ વો લગભગ બંધ હી રહેતા હૈ. યે જો હમારા નીચે કા જો ડિપાર્ટમેન્ટ હૈ, ઇસકે અંદર 3 રૂમ હૈ, ઓર ઇધર લગભગ સબ સ્ટોરેજ હોતા હૈ, જો જબ યુઝ હોતા હૈ તભી કોઈ કોઈ સ્ટોરેજ કી યે ચીઝ ચાહીએ તો ઇસકે અંદર હોતી હૈ. હા બેટા, હા બેટા, શું કહે છે? એ પાર્કિંગ હૈ, ઇધર સબ પાર્કિંગ કિયા હુઆ હૈ. ઓર હેઝલ બોલ રહી હૈ ગાડી કારી કારી પાર્કિંગ હોય. ચલો લેટ્સ ગો, હવે ઉપર જઈએ. અહીંયા ગડી, અહીંયા નીચે વાતો કરે. નીચે વાતો કરવી છે? હા. તારે શું વાતો કરવી છે? તમે વો મેમ શું કરો છો એમ કહે છે. આમાં કોણ મેમ છે? આમાં આમાં એમાં મેમ નો હોય. ચલો લેટ્સ ગો, લેટ્સ ગો. હવે ઉપર જવાનું, ઇધર સે સ્ટેર છે, ઇધર સે ઉપર જાના હૈ. ચલો લેટ્સ ગો. વાતો કરું? હા, ઉપર વાતો કરીએ ને. હવે ઉપરનો ડિપાર્ટમેન્ટ બતાવવાનો છે. ચલો લેટ્સ ગો. નીચે થઈ ગયું? હા, નીચે થઈ ગયું. હેલો હેલો. જમવા જમવાનું હજી નથી થયું બેટા.
હવે તું શું બતાવીશ? મેમ ઘર બતાવવાનું. ઘર બતાવ. ચાલો ચાલો. તો યે હે એન્ટ્રન્સ. આ શું છે? એ શૂઝ નું બોક્સ હોય. યે એટલું બધું નજીક નહીં જવાનું. ચાલ લેટ્સ ગો. યે શૂઝ કા બોક્સ ઇલાકા હે. હા ચલો. और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हो, लेफ्ट साइड माँ का रूम है, मम्मी पापा का रूम जो हेज़ल के बाद दादा है, और मम्मी की फेवरेट कन्हैया जी की पोस्टर है इधर, और हमारा फैमिली फ़ोटो इधर है ये, और शिवांश है. आद्विक का तो है नहीं, बिकॉज़ आद्विक का प्रिंट नहीं करवाया अभी, बट दिस इज़ अवर. ये हमारी सिस्टर है जो लंदन में है अभी, और दैट इज़ द बाद दादा रूम. और राइट साइड पे है हमारा रूम जो सारी काका मेरा और हेज़ल का है, और इधर मेरा कंप्यूटर है जिसमें मैं एडिट करता हूँ कभी कभार, और इधर हमारा पूरा मेमोरीज सब घर की अच्छी अच्छी डाली हुई है. सो एज सून एज यू वॉक आउटसाइड, ये हॉल है. मम्मी यूजुअली इधर बैठ के बिन दानों साग सधरती है और दूसरे सब साग भाजी करती है, और ये टीवी यूनिट है, सोफ़ा यूनिट, और दिस साइड वी हैव डाइनिंग टेबल, एंड लक्ष्मी नारायण का इधर पोस्टर है. इधर आके किचन आता है, किचन के अंदर है हमारा माइक्रोवेव, और उसके बाजू में है हमारा मंदिर, एंड देन वी हैव अ बिग फ्रिज, वी हैव चौकड़ी फॉर लताबेन, और इधर स्टोरेज एरिया है, और किचन का ये सब कुछ इधर है. As soon as you come outside, we have a wash basin. तो के जी एफ आ चुके हैं और हम बताएंगे के जी एफ का रूम. ये है के जी एफ का रूम, हार्दिक का, हेज़ल के काका है, इधर से हिचका दिख रहा है, और ये उसका सीक्रेट कबर्ड है जो खोलते ही आपको डायरेक्ट वॉशरूम में लेके जाएगा. ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है उसके रूम का. ठीक है, तो दिस इज के जी एफ का रूम. एंड इधर बाहर आते ही हमारे पास है हिचको. वी हैव अ रियली गुड सिटिंग एरिया हियर. हेज़ल का फेवरेट पार्ट है ये, बैठने का और खेलने का, ये मैं यूजुअली बताता रहता हूँ. और ये है हमारा बिल्ली का ट्री. ये है हमारा व्यू ऊपर से. वी हैव अ टेरेस, और टेरेस के ऊपर है सोलर पैनल, और सोलर पैनल के बाजू में जो टेरेस एरिया है उधर से हम लोग उत्तरायण में पतंग वतंग चगाते हैं. तो दैट इज़ द हाउस टूर आई गेस. इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं. तो जी शाम के बज चुके हैं 5, और इधर वाटरमेलन टाइम चल रहा है हेज़ल दादा और बा का. चलिए कुछ वार्तालाप करते हैं. हेज़ल जमी ली तू बेटा? हजी खाऊ छे तारे? तने वॉटरमेलन लोपसीगी. ओ तो पापा ये अपना जो घर है वो कौन से साल में लिया आपने, खरीदा था? 2011 में. 2011 में खरीदा था, मतलब 10-11 साल हो गए हैं. मम्मी जब ये घर पहली बार तुम देखने आई थी 2011 में, तब तुमने मतलब कुछ पापा को बोला था कि रिएक्शन क्या था तुम्हारा? क्योंकि मैं तो इधर था नहीं, मुझे पता नहीं है. पुराना तो, था इसलिए रिनोवेशन करने के लिए रिएक्शन किया. હું બેટા વજન આલો. ઓકે ડેડી વાતો કરે છે 2 મિનિટ. ઓકે મમ્મી ક્યાં બોલા થા? રિનોવેશન કરના થા. થોડા પુરાના લગ રહા થા. અચ્છા યે યે પપ્પા યે ઘર હે ઇસકા આયુ કિતના હોગા તકરી અપ્રોક્સિમેટલી? 38 સાલ હો ગયા. 35 સાલ કે ઉપર હો ગયા હે. तो 2012 में जब हम लोग इधर रहने आए थे तब पूरा रिनोवेट हो गया था. तो इसका जो प्लान था, वो जो घर का प्लान था, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से और ये जो इंटीरियर के हिसाब से आपने बिठाया था? मॉडिफाई किया थोड़ा. तो किसी को आपने कंसल्ट किया था कि अपने हिसाब से बनाया है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर रखा था ना. कॉन्ट्रैक्टर रखा था, आर्किटेक्ट रखा था. हाँ, एक लेडीज थी. अच्छा, कुछ सवाल मुझे ऐसे भी आए थे, कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि घर का, आपका घर बहुत हैप्पी है, तो हमको भी आपके घर के जैसा थोड़ा एक घर बनाने का है. हाँ. तो प्लान बोलो कैसा है, क्या है? बढ़िया है, हमको पसंद आया इसलिए ले लिया. और रिनोवेट कर दिया, कुछ चेंजेस किया. हाँ, अच्छी तरह से. अच्छा, खर्चा भी किया. हाँ, शू बेटा, शू लेवा? तरबूज. तरबूज लेवा? तन तरबूज बहु भावे,
તું કે મેમ ખાય છે કેન્ડી વોટરમેલન વોટરમેલન કહેવાય લોલીપોપ લોલીપોપ ની જેમ ખાય છે તો અભી પાપા આપકે હિસાબ સે યે ઘર કા ઓર આયુ કિતના હો સકતા હે મતલબ યે પુરાના તો હે પર ઇસકા બેસ બહોત સ્ટ્રોંગ હે મેરે હિસાબ અભી 15 20 સાલ કુછ નહીં હોગા ઇનકો અચ્છા આમ ઘર માં તને કેવું લાગે આમ तेरे हिसाब से घर में कुछ चेंज करने का है तेरे को? नहीं अभी कुछ नहीं करने का कोरोना जाए ना तो बस बदू ठीक थी जाए ओके कोरोना या तो है केजीएफ आ गए इधर केजीएफ को बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं केजीएफ क्यों बोलते नहीं है मूंगे मूंगे क्यों रहते हैं बोलो न हूं मैं बोल जय दीप बोले से बता मैं आ ही जाए ओके વોટરમેલન નું જ્યુસી બધું હાથમાં આવી ગયું નીચે તારે કઈ બોલવું છે તો કેમ વિડીયો ઉતારવાનું કીધું તે મને લોલીપોપ વોટરમેલન લોલીપોપ ખાય છે હે ઓકે હેઝ બાય આમ બાય ના વિડિયો વિડિયો કરો દે જો એમ માય દાદા આમ ખવાનો લાગી જાય દાદા તું કોને તને તું કોનો દીકો બા દાદા મમ્મી પપ્પા કે પછી આ કાકાનો દીકો બા મમ્મી બની દીકો છે બા ને મમ્મી દીકો છે તો અમાર દીકો નથી તું ના કેમ દાદા દીકો નથી નહીં તો કાકા દીકો છો કાકા દીકો બધા દીકો બધા દીકો યસ વેરી ગુડ માર ઘર બહુ ગમે તાર ઘર તને બહુ ગમે છે હે ઓકે આઈ થિંક આજ કે લિયે બસ ઇતના હી ઇધર વિડિયો એન્ડ કરેંગે ઓર કલ સે 6-7 દિન તક વિડિયો નહીં આ પાએગા બીકોઝ હમ લોગ જા રહે હૈ ચલાલા સારિકા કો લેકે મેં જા રહા હું ચલાલા ઓર ઇધર એડિટિંગ ઓર વિડિયો શૂટિંગ કે લિયે કોઈ હોગા નહીં તો યે વિડિયો 6-7 દિન તક નહીં આએંગે तो पुराने व्लॉग्स है वो एंजॉय कीजिए और आज के वीडियो में आपको क्या जानकारी मिली क्या अच्छा लगा कमेंट कुछ कीजिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो और शेयर तो करते रहने का मचाने का ठीक है एंजॉय द वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग